As much as you guys love seeing my vlogs, I love making them for you. And there is a lot happening in this vlog. So grab your snacks and let's get started with this video. Hi guys, welcome to my channel. I hope you are doing good. Welcome to a new vlog. So in this vlog, I'm gonna do something. You might have read by the title, but I'm gonna color my hair. Zyada overacting or dramatic na hote hue. I'm just gonna color my hair. So let's see how it goes. I hope you're excited for this video. I'll tell you everything aage, but for now, if you're new here, then hi, my name is Rashi and I would love for you to subscribe to my channel. Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video. And now let's get started with today's video. Okay, so one fine day मैं ऐसी बैठी हुई थी and I was like यार मुझे क्या नया करना चाहिए because थोड़ा ऐसे बोर हो जाती हूँ मैं. You know I take a lot of pictures and by lot I mean a lot. And मेरा तो मतलब main काम ही ये है video बनाना, camera पे आना. कभी कभी खुद के look से भी बोर हो जाती हूँ because hair styles मेरे से होती नहीं है ज्यादा. ठीक है, बाली खोलती रहती हूँ तो उसमें भी मैं थोड़ा बोर हो गई अपने लुक को लेकर ओवरऑल. सो आई थॉट कि हम क्या कर सकते हैं. तो बींग द इंडिपेंडेंट गर्ल दैट आई एम, मैंने सोचा मैं खुद ही बाल कलर करूंगी अपने. आई हैव कलर्ड माई हेयर वंस बाय माई सेल्फ इन 2021 एंड दैट वीडियो इज ऑल्सो अप ऑन माई चैनल. आई विल लिंक इट. दैट वीडियो इज ऑल्सो लाइक रियली नॉस्टैल्जिक फॉर मी. सो आई हैव डन इट एंड मैंने उस टाइम ना रेड कलर किया था एंड दैट लुक रियली डोप. एंड वो कलर काफी टाइम तक टिका था, लाइक 1-1.5 ईयर्स तक टिका था. एंड आई हैड टू लाइक चॉप इट ऑफ बिकॉज फिर वो मतलब जो फेड होके थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि वो डैमेज लग रहे थे बाल नीचे से. और फिर इतना टाइम रख लिया था कि आई वॉज ऑल्सो लाइक कि चलो लेट गो ऑफ इट. सो अभी दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड टू नॉट गो लाइक ओवर द बोर्ड लाइक कुछ लाल वैसा नहीं. आई जस्ट वॉन्ट माई ब्लैक हेयर टू गेट अ लिटिल लाइटर. सो मैं करने वाली हूँ ये कैरमल ब्राउन. ये मैंने अमेजोन से मंगाया है. ये लॉरियल का है एंड दिस कॉस्टेड मी, वेट आई विल शो यू. हाँ, दिस कॉस्टेड मी ₹700, 679-680 समथिंग. सो 700 इसका प्राइस है एंड आई हैव ऑर्डर्ड इट इन द शेड 634 कैरमल ब्राउन. इफ द नेचुरल कलर ऑफ योर हेयर इज ब्राउन तो आपको ऐसा कलर मिलेगा. इफ इट इज डार्क ब्राउन तो ऐसा मिलेगा. ब्लैक है तो ऐसा मिलेगा. मेरा डार्क ब्राउन और ब्लैक के बीच में है. आई वॉन्टेड टू गो फॉर कैरमल ब्राउन एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे. सो आई एम अलोन एंड अगर कुछ होता है तो देख लो, हमें मैनेज करना पड़ेगा. मुझे नहीं पता, अब खराब हुआ तो फिर आपको ऐसे देखना पड़ेगा मुझे. आई डोंट नो. ओके एंड और मैं तो रोज बाहर जाती हूँ, रोज ऑफिस जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसे ढंग से करना पड़ेगा बिकॉज फिर एकदम से ऐसे क्लाउन बन के नहीं जा सकती मैं भी. सो वैसे आई हैव लाइक ट्रस्ट ऑन माई स्किल्स बिकॉज इट्स नॉट न्यू फॉर मी गाइज. मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या आता है. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड मैंने इसको बड़े ही गंदे तरीके से फाड़ दिया. इट कम्स विथ अ कास्टिंग क्रेम ग्लॉस कलरेंट क्रेम. दिस इज वॉट लुक्स लाइक एंड देन इट कम्स विथ अ डेवलपर आई गेस ना. हाँ, डेवलपर क्रेम. ठीक है, दो चीजें ये आती हैं. इट कम्स विथ अ शाइन मास्क. ये आपको ना बाल कलर करने के बाद इससे आपको अपने बाल धोने होते हैं. लाइक इट्स काइंड ऑफ अ कंडीशनर. ओके, सो दीज थ्री थिंग्स यू गेट एंड देन उसके ऊपर से यू गेट अ गाइड एंड ग्लव्स इन साइड दिस. नाउ सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि इसमें ना आपको वो चाहिए रहता ना कटोरी और वो सब नहीं चाहिए आपको ब्रश, बिकॉज इसमें आप डायरेक्ट आपको बस इन दोनों को मिक्स करना रहता है. ठीक है, और फिर इसको ये आपको अपने बालों पे ऐसे डाल के लगाना होता है. 30 seconds वेट करना होता है. 30 seconds कह रही हूँ, सॉरी 30 minutes वेट करना होता है एंड देन यू रिंस इट ऑफ एंड देन व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस. ओके, सो आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑल्सो ऑफ द सेम शेड. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड ऑल्सो. सो लेट्स बिगेन आई गेस. मैंने कल हेयर वॉश करा हुआ है बट इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू वॉश योर हेयर. आप बस इसको गीले बालों में लगाना होता है, आपको हेयर वॉश नहीं करना होता. Okay, so this is what my hair looks like before coloring. Now mere jo baal hai, that is a mixture of black and brown. Okay, so I have changed into my old t-shirt. मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो एकदम ऐसे यहाँ से लगा रहे हैं, बट मैं उतना मैं नहीं करूंगी. ठीक है, मैं roots touch नहीं करूंगी अपने. मैंने decide करा है मैं यहाँ से करूंगी बाल कलर, मतलब ऐसे हल्के हल्के streaks टाइप के दे दूंगी. ठीक है, ऊपर से merge करते हुए. और सारी ज्वेलरी मैं अपनी रिमूव करूंगी. सबसे पहले मेरा नेक पीस जो भी बोलो. और मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर भी लगाऊंगी ताकि कोई कलर अगर रहता है तो
हट जाए. द फर्स्ट थिंग आई डिड इज मैंने अपने बाल डैम्प करे एंड मैंने बालों को कोम करा अपने, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर देर आर नो नॉट्स. एंड देन आई एम अप्लाइंग सम मॉइस्चराइजर ऑन द एंड्स ऑफ माई हेयर लाइन, ताकि कोई अगर पिगमेंट रहता है तो वो निकल जाए इजिली. एंड देन आई एम मिक्सिंग बोथ ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स जो कि पैकेट में आए थे, द कलरिंग क्रीम एंड द डेवलपर, एंड वी हैव टू शेक इट वेल बिफोर यूज. नाउ आई वॉज रियली नर्वस, तभी मैं बहुत ही नीचे से शुरू कर रही हूँ, एंड मेरी रूममेट भी आ गई थी इस टाइम तक, ईशा. सो आई एम टेलिंग हर कि मेरे को बहुत डर लग रहा है एंड यू हैव टू हेल्प मी आउट इफ समथिंग हैपन्स. सो आई ट्राइड बाई माई सेल्फ, बट ऑफकोर्स मैं पूरा तो ऐसे नहीं कर पाई, सो आई टुक हर हेल्प ऑल्सो. अभी मैं खुद से ट्राई कर रही हूँ, जितना मेरे स्कोप में था उतना तो मैंने खुद से करा. एंड देन ये सबसे बेस्ट बात थी इसकी कि इसमें ना ज़्यादा मैसी नहीं हो रहा था कुछ भी. पीछे के बाल करने के लिए मैंने हेल्प ली एंड देन फिर मैंने उसको दोबारा कोम करा ताकि प्रिसाइज स्ट्रीक्स आए, एंड आई वॉश देम ऑफ आफ्टर 35 मिनट्स. राइट आफ्टर आई वॉश देम वो ऐसे लग रहे थे, एंड इसके बाद रियल कलर आना शुरू हुआ है. दिस इज आफ्टर 2-3 डेज दैट आई वेंट फॉर अ हेयर कट. आई वॉन्टेड लाइक अ प्रॉपर हेयर कट हेयर वॉश के साथ में. नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी रेगुलर विथ माई ट्रिम्स. तो महीने दो महीने में आई गो टू अ सैलून एंड मैं अच्छे से हेयर वॉश कराती हूँ, बिकॉज इवन इफ आई वॉश माई हेयर प्रॉपरली एट होम, वो जो बिल्डअप होता है बालों में वो प्रॉपर अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो सैलून में उससे निकल जाता है. एंड देन आई स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कि मुझे क्या चाहिए. मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए थे बाल, जस्ट वॉन्टेड टू कट आउट ऑल द डैमेज्ड एंड्स. और मैंने बोला था कि आगे से मुझे कर्टेन बैंग्स दे देना, बिकॉज मैं मिडिल पार्टिंग करती हूँ, सो उस पर वो सूट करता है ज़्यादा. एंड ही वॉज वेरी पेशेंट, ही अंडरस्टूड एंड ही डिड वॉट एवर. सबसे पहले हेयर स्पा हुआ तो उसमें उन्होंने क्रीम लगा के हेड मसाज दिया, विच वॉज नॉट द बेस्ट मसाज दैट आई हैव गॉट. आई हैव गॉटन बेटर. हेड मसाज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू हैव, बिकॉज मुझे इतना मज़ा आता है एंड लिटरली आई जस्ट लव इट. इट इज़ माई फेवरेट पार्ट. एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द हेयर कट. जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, ही डिड एग्जैक्टली दैट एंड इट वॉज फाइन. मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही लग रहा था. दिस वॉज हाउ माई हेयर लुक्ड लाइक. मैं ऑफिस से आई हुई थी इसलिए इतनी थकी थकी सी लग रही हूँ, बट आई वॉज रियली हैप्पी विथ हाउ माई हेयर लुक्ड लाइक. एंड पीछे से मैंने बोला था मुझे स्ट्रेट कट चाहिए. मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है एंड वो जो हेयर कलर था वो भी एकदम मस्त लग रहा था इस. नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. मी एंड माई रूममेट यूज टू लिव टुगेदर इन वन रूम. इट वॉज अ डबल शेयरिंग रूम, बट नाउ शी हैज शिफ्टेड टू पुणे ड्यू टू हर वर्क. And I had to find a new place to live in because now I wanted to live alone by myself. So let's start with the house hunting now. I am going to see my new flat and I thought I'll take you guys along with me. I have seen it in the morning but I have not seen photos of it very quickly. So I am going again. जिस फ्लैट देख के आया एंड मुझे तो मतलब पसंद ही है. फर्स्ट टाइम में अच्छा लगा था, सेकंड टाइम थोड़ा सा मैं और डीपली देखने गई थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं तो ऐसे ही हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से देख लिया था. अभी बाथरूम वगैरह देख के आई हूँ प्रॉपरली. आई लाइक इट. मतलब इट इज़ पहले के रेंट से तो काफ़ी ज़्यादा ही, बिकॉज मैं पूरा रूम एक ही अकेले इंसान रहूँगी मैं, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट लाइक अ रूममेट नाउ. मेरा सामान बहुत ज़्यादा है और वो नहीं मैनेज हो पाता. सो मैं उनको डिपॉजिट वगैरह दे दूँगी. थोड़ा मैंने उनको बोला है कंसेशन करने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो शील डू. सो लेट्स सी. गाइस गुड मॉर्निंग. आज है 1st of March एंड मैं जस्ट जा रही हूँ ऑफिस, बट टुडे इज़ द लास्ट डे. मतलब ईशा आज शिफ्ट हो रही है एंड उसकी ट्रेन है आज रात में टू पुणे. सो हर स्टफ इज़ ऑल पैक्ड एंड स्टफ एंड आई एम काइंड ऑफ सैड, बट आई एम नॉट लेटिंग इट ओवर पावर मी, बिकॉज मैं अकेली रहती हूँ एंड आई नीड टू कीप माई मेंटल पीस लाइक स्टेबल, राइट. आई नीड टू बी लेस इमोशनल एंड मोर प्रैक्टिकल. मुझे लग रहा है बुरा, लेकिन आई एम नॉट लेटिंग इट ओवर पावर मी एज आई सेड. सो हर स्टफ इज़ ऑल पैक्ड एंड आई विल हैव टू स्टे हेयर फॉर लाइक 15-20 मोर डेज. उसके बाद मेरी जो न्यू प्लेस है वो वेकेंट होगी, तो आई विल हैव टू स्टे हेयर फॉर 15 मोर डेज. एंड आई एम नॉट श्योर कि शायद एक रूममेट आ भी सकती है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा रहता है कि एक लड़की जाती है एंड विद इन अ फ्यू डेज दूसरी लड़की आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे पीजीज की बहुत ही रहती है डिमांड. तो वील सी, वील हैव टू एडजस्ट फॉर 15 मोर डेज विद एनीबडी हु कम्स. सो दैट्स द अपडेट दैट आई वॉन्टेड टू गिव. मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं दी थी फॉर द शिफ्टिंग थिंग, सो आई थॉट आई विल डू दैट. मैं जा रही हूँ ऑफिस एंड देन रात में वील गो ड्रॉप ईशा एंड वील फिगर आउट देन हाउ to go about it, because she's my first roommate, okay, and I have never lived with anybody else other than my family, like lived kind of. So she was really really like a good roommate and we bonded like sisters almost, and mera bonding hamesha ho hi jata hai logo ke sath mein, but we had like alag level of understanding and everything. So abhi to main alag hi rahungi, matlab main akeli hi rahungi ab to. So I'm also excited about that because अकेले रहने का भी एक अलग ही मज़ा है, ओके. एंड वील सी हाउ इट गोज. अभी मेरे को ना लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ. आई विल सी यू
super soon with a new update, or probably raat mein when we go drop her. Bye-bye. I'll miss you, huh? I'll miss you more. This girl was not just my roommate, she is like my older sister. And isse 2-3 din pehle we cried, we bawled our eyes out. We both were really emotional and hamara rone gaane wala session already complete ho chuka tha. Good morning everybody. Main uth gayi hu. I woke up around 1-1.5 hours back and main phone chala rahi thi. Very very bad habit, very very bad habit. बट कोई नहीं, मेरी न्यू रूममेट आ गई है, कल ही आ गई वो. इनफैक्ट व्हेन ईशा वाज लीविंग शी वाज एंटरिंग. सो वी आई हैव टू जस्ट स्टे हियर फॉर 15 मोर डेज. सो हर स्टफ इज लाइक हियर ओनली. मैं वापस से फेस आइसिंग करना शुरू कर दी हूँ बिकॉज वापस से गर्मी होने लग गई है एंड फेस आइसिंग आई फील लाइक बहुत ज़्यादा सही होती है. सो आई एम गोना गो ब्रश एंड देन वील डू सम फेस आइसिंग एंड ऑल. थोड़ा वियर्ड लग रहा है मेरे को बिना उसके बिकॉज वी यूज टू गो एंड हैव चाय टुगेदर एंड स्टफ, बट आई लव टू सी. चलो मैं जाती हूँ अकेले पीने. एंड ओ माई गॉड, वन मोर थिंग, 5 days माई कुक इज नॉट कमिंग, सो आई हैव टू एडजस्ट दैट. एंड मैं सोची थी कि मैं जंक काफ़ी कम करूँगी, जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ हेल्दी मंगाती हूँ जोमैटो से. लेट्स सी मैं कितना हेल्दी हो पाती हूँ. सो यस, बाय बाय, सी यू. Did my face icing. This has helped me a lot really. And मैं वापस से शुरू कर दी हूँ उसको. सो जल्दी से ये करके I ordered myself a दाल मखनी बोल. मैं I went specifically into the healthy section of Zomato and वहाँ से मैंने मंगाया है. So it was nice. We had like a nice, I had a nice lunch. रात में मुझे as such कुछ order करने का मन नहीं हुआ तो मैं नीचे गई एंड देन पास में ही कुछ तो ऐसे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ पर मैं गई एंड आई हैड दिस मसाला उत्पम विच वॉज रियली रियली टेस्टी. सो दैट इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू इन दिस vlog. I hope you enjoyed watching this. And yes, since I'd be shifting in a few days, aap expect kar sakte ho kafi sare shifting vlogs, decor vlogs. So yes, subscribe for more such videos. Don't forget to follow me on my Instagram and I'll see you super soon in my next video. Till then, bye bye, toodles.